नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज स्टेशन। बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ मॉरिशस में जाकर लोगों के इंटरनेट अकाउंट्स में से ताकाजाकी को लेकर विवादों में घिर गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ही लोगों के इंटरनेट की मॉनिटरिंग सरकारी एजेंसियां कर रही है? शायद आपने इसके बारे में सुना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी एनएसए भी आपके ईमेल्स या व्हाट्सएप चैट पर नजर रखती है? 2013 में एनएसए के पूर्व कर्मचारी एडवर्ड स्नोडन के लीक दस्तावेजों में यह बात सामने आई थी कि अमेरिका पूरी दुनिया में फाइबर ऑप्टिक टैप के जरिए लोगों के इंटरनेट ट्रैफिक पर नजर रखता है। खास बात यह है कि इन दस्तावेजों में लीक हुए एक मैप के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसी चीन से भी ज्यादा डेटा भारत और पाकिस्तान से इकट्ठा करती है। उस समय यह सामने आया था कि अमेरिका की निगरानी लिस्ट में भारत 5वें नंबर पर है। भारत से 63 करोड़ इंटेलिजेंस सूचनाएं अमेरिका ने ली थी, मगर तब से आज तक किसी भी सरकार या विपक्षी दल ने इसे मुद्दा नहीं बनाया। कारण, सरकार खुद भी आपके डेटा पर निगरानी रखती है। आपकी इंस्टाग्राम रील्स या फेसबुक पोस्ट पर कौन कौन निगाह रखता है, यह होता कैसे है और क्या क्या ऐसा करना कानूनी है, जानिए आपके इन सवालों के जवाब। भारत को सीधा खतरा था रॉ की मौजूदगी के खुलासे पर विवाद। पिछले महीने मॉरिशस टेलीकॉम के सीईओ शेरी सिंह ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आदेश दिया था कि भारतीय खुफिया एजेंसी को बेवड्यू जॉकेट द्वीप पर बने सबमरीन केबल स्टेशन का एक्सेस दे दे। इसे मॉरिशस की विपक्षी पार्टियों ने देश की संप्रभुता पर खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लिया था। प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ खुले तौर पर यह कह चुके हैं कि चीन की मंशा पर शक की वजह से उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी बात की थी। भारत ने अब तक इस पूरे मसले पर आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्राइवेसी का हनन। इंटरनेट की निगरानी वाले सभी देश यह दावा करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह जरूरी है, और यह दावा किया जाता है कि डेटा और समुद्र से मिले संदेशों के आधार पर कई बड़ी आतंकवादी घटनाओं को भी रोका गया है। हालांकि इसका कोई भी ठोस आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। टिम बर्नर्स-ली की चेतावनी। इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले सर टिम बर्नर्स-ली ने चेतावनी दी है कि वेब जगत के लोकतांत्रिक स्वरूप को निगरानी और सेंसरशिप के बढ़ते चलन से खतरा है। वर्ल्ड वाइड वेब की सालाना वेब इंडेक्स रिपोर्ट को जारी करते वक्त टिम ने यह बात कही। इस रिपोर्ट में दुनिया भर में हो रही सेंसरशिप की घटनाओं को देखा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि सूची में शामिल 94% देश इंटरनेट पर की जा रही सरकारी एजेंसियों की दखलंदाजी पर जरूरी निगरानी नहीं रखते। रिपोर्ट में इस बात की ओर भी इशारा किया गया कि 30% देश राजनीतिक रूप से संवेदनशील आंकड़ों को या तो ब्लॉक कर देते हैं या फिर फिल्टर कर देते हैं। रिपोर्ट के अंत में सरकारी संस्थाओं की ओर से की जाने वाली जासूसी के जुड़े मौजूदा कानूनी प्रावधानों पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत बताई थी। टिम ने कहा कि इस साल के वेब इंडेक्स की सबसे उत्साहित करने वाली बात यह है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया किस तरह से लोगों को संगठित होने, कार्रवाई करने और दुनिया में जहां कहीं भी कुछ गलत हो रहा है उसे सामने लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन कुछ सरकारें इससे डरी हुई हैं। निगरानी और सेंसरशिप के जरिए अब लोकतंत्र के भविष्य को डराया जा रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी और निजता के मौलिक अधिकार को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। भारत सरकार के 10 सेंट्रल एजेंसियों को देश के सभी कंप्यूटर्स और मॉनिटर्स और इंटरसेप्टर करने की क्षमता दी है। अब इन एजेंसियों के पास न सिर्फ ईमेल बल्कि आपके कंप्यूटर में रखा हर तरह का डेटा पर नजर हो सकती है। तीन मुख्य बातें, इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिस्क्रिप्ट। हालांकि ये चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी देखने को मिला था जब कांग्रेस की सरकार थी। तब सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम नाम की व्यवस्था थी जो अब एक रहस्य की तरह है। इंटरसेप्ट यानी आपके कंप्यूटर तक पहुंचने वाला डेटा कोई जांच एजेंसी इंटरसेप्ट करके ये पता लगा सकती है कि क्या बातचीत हो रही है, चाहे बातचीत वीडियो कॉल की शक्ल में हो या फिर ईमेल की तरह। मॉनिटरिंग यानी एजेंसी चाहे तो आपको कंप्यूटर तक पहुंचकर इसकी निगरानी कर सकती है, लगातार नजर बनाए रखेगी कि आप अपने कंप्यूटर पर क्या कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन यानी अगर आपका कम्युनिकेशन सिक्योर है या फिर आपने अपने डाटा को किसी तरह से सिक्योर करके रखा है तो एजेंसी इसे इनक्रिप्ट करके इसमें सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकती है। आप जहां से इंटरनेट खरीदते हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपकी जानकारियां, आपकी यूसेज हिस्ट्री सरकारी एजेंसी को दे सकती है। ये आदेश में कहा गया है कि इससे पिछले सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया था। 2008 मुंबई अटैक के बाद यूपीए सरकार ने इसकी नींव रखी। अमेरिकी एजेंसी एनएसए की निगरानी प्रोजेक्ट प्रिज्म की तरह ही भारत में भी ऐसी ही निगरानी के लिए प्रोजेक्ट बनने की तैयारी शुरू हुई थी।
नाम रखा गया था सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। इस प्रोजेक्ट को लॉफुल इंटरसेप्शन के लिए प्लान किया गया, जिसके तहत फोन और इंटरनेट को इंटरसेप्ट किया जा सकता था। इसके लिए सी डॉट और दूसरी सरकारी एजेंसियों की मदद ली गई। तहलका मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सी डॉट और स्टेट टेलीकम्युनिकेशंस R&D सेंटर ने 2011-12 में दिल्ली में सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के पलायन प्रोजेक्ट पर काम करने का आदेश दिया था। सी डॉट के रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट के मुताबिक CMS की लैब टेस्टिंग 2009-10 में ही कर ली गई थी। दिसंबर 2012 में तब के MOS कम्युनिकेशन और IT मिलिंद देवड़ा ने लोकसभा में कहा था कि इस सिस्टम का डेवलपमेंट वर्क मोटे तौर पर हो चुका है। पायलट प्रोजेक्ट 30 सितंबर 2011 को दिल्ली में पूरा कर लिया जाए, जहां सी डॉट ने 2 ISF सर्वर इंस्टॉल कर दिए थे। UPA सरकार ने 2008 मुंबई अटैक के बाद इंटरनेट स्पेस को सिक्योर करने के लिए इस योजना की तैयारी की थी। बाद में सरकार इंटरसेप्ट और मॉनिटर करने के अपने आइडिया के साथ नवंबर 2009 में राज्यसभा में कहा था कि सरकार देश में मोबाइल फोन्स, लैंडलाइन और इंटरनेट कम्युनिकेशन को मॉनिटर करने के लिए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम प्रपोज करती है। CMS को डॉट द्वारा लागू किया जाएगा ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। आपको बता दें कि ये पूरा प्रोजेक्ट प्रिज्म के तर्ज पर था, जिसे स्नोडन के खुलासे के बाद अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर बंद करने का ऐलान किया था। प्रिज्म प्रोजेक्ट में भी अमेरिका सहित कुछ दूसरे देशों की सिटीजन की निगरानी की जाती थी। क्या ऐसे प्रोजेक्ट से सिटीजन की जासूसी करने में कोई फायदा होता है? इस पर कई सवाल हैं। NSA विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन के खुलासे के मुताबिक इस तरह के निगरानी प्रोजेक्ट के कलेक्ट किए गए डाटा में से सिर्फ 1.5% डाटा नेशनल सिक्योरिटी के लिए अहम होता है। चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे को मॉरिशस की राजधानी में सर्वेलांस सिस्टम इंस्टॉल करने का ठेका मिला। इसमें मॉरिशस टेलीकॉम कंपनी के CEO और प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ को करीबी शेरी सिंह की भूमिका अहम मानी जा रही थी। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान ही हुआवे को मॉरिशस के दूसरे सबसे बड़े शहर रॉड्रिगस तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए 700 किलोमीटर अंडरसी इंटरनेट केबल बिछाने का ठेका भी मिल गया था। ये संदेह जताया जाने लगा कि इस बहाने चीन मॉरिशस में अपनी टेलीकम्युनिकेशन इंटेलिजेंस बेस बना सका है। सबसे बड़ा खतरा आगालेगा द्वीप पर भारत के बनाए मैरिटाइम इंटेलिजेंस बेस को था। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ स्टेशन।